जबरदस्त है, पूरा ब्राइटनेस पूरा हाई है। अपने हिसाब से कलर के हिसाब से एक्रेलिक अभी यहाँ पे चिपकाएंगे। कमाल का लाइट है, तो बहुत ही जबरदस्त का ब्राइटनेस आप। तो कैसे दोस्तों, बस फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट आर्ट सॉल्यूशंस में। आज आपको दिखाने वाले हैं ACP में 2D बोर्ड, 2D बोर्ड कैसे बनता है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं ये अपना LED लग रहा है, तो ये LED जो इस बार लगा है ना, डायरेक्ट AC से जलने वाला है, मतलब डायरेक्ट AC से पावर सप्लाई नहीं लगेगा। और आपका LED दिखाते हैं आपको ये वाला, हालांकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, पानी से आपको इसको बचाना पड़ेगा। तो ये जो बोर्ड अपना लगने वाला है तो उतना ज़्यादा पानी की जगह में नहीं लगेगा, इसलिए हम इस LED को लगा रहे हैं। और लाइट तो जब ऑन होगा तब देखिए कमाल का लाइट है, तो बहुत ही ज़बरदस्त का ब्राइटनेस आता है। अगर आप पहली बार इस टाइप का वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि वो है ACP बोर्ड। वो ACP बोर्ड जो है, ये वाला मशीन CNC मशीन में कटिंग होता है, इसमें राउटर मशीन में, इसमें डिजाइनिंग होकर कटिंग होता है। तो फिलहाल यहाँ पर कटिंग हो चुका है और लेटर को हम लोग निकाल करके फेंक दिए हैं, इसका जो वर्ड है। अब इसके पीछे से हम इसमें एक्रेलिक चिपका देंगे। तो अपने हिसाब से रेड कलर का बैकग्राउंड है और यहाँ पे अपने हिसाब से कलर के हिसाब से एक्रेलिक अभी यहाँ पे चिपकाएंगे। तो 2D बोर्ड में हम ज़्यादातर 3mm मतलब 2mm का सीट को यूज़ करते हैं। आप इसमें 3mm भी लगा सकते हैं, लेकिन 2D बोर्ड में ज़्यादातर हम लोग 2mm यूज़ करते हैं, क्योंकि 3mm लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, पीछे से रहता है। तो बाकी 3D लेटर में हम लोग 3mm का यूज़ करते हैं। इस तरीके से बॉन्ड लग गया है अपना, और अब इसको राउटर भी करना पड़ता है। ये राउटर मशीन से, किधर गया राउटर मशीन, वो वाला मशीन करते हैं, ये वाला मशीन से इसको राउटर करके उसको बैंड करना पड़ता है हल्का हल्का किनारे में। तो ये राउटर का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड लगा करके कुछ इस तरीके से अभी पेस्ट कर देंगे पीछे से। ये रहा, पीछे से अपना पेस्ट हो गया। और अब इसके बाद में इसका सबसे अच्छा बात क्या है ना, कि ब्राइटनेस बहुत हाई है, वायरिंग का झमेला कम है। LED लगाते हैं अगर मॉड्यूल, उसमें जगह जगह पे आपको वायर एक्स्ट्रा घुमाना पड़ता है, जिसके कारण जिससे लाइट आपका ब्राइटनेस अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। अच्छा, अब इसका लाइफ कितना है उसके बारे में अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मटेरियल अभी कुछ दिन से अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये छोटा बोर्ड था तो सोचे इसको रिस्क ले लेते हैं, छोटा बोर्ड में लगा लेते हैं, और ये बोर्ड अपने पास में ही लगने वाला है, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत इसको चेंज भी कर देंगे। ऐसे मेरे हिसाब से कम साल डेढ़ साल तो खींच देगा, आराम से खींच देगा पानी से, अगर ये बचता है तो। और इसका वाटर प्रूफ वर्जन भी आता है, मतलब वाटर प्रूफ भी आता है, ये फिलहाल वाटर प्रूफ नहीं है, पानी से चलना पड़ेगा। बाकी एक्रेलिक चिपक जाता है। अब इसका ब्राइटनेस कैसा आता है वो अभी आपको दिखा देते हैं। में लगने वाला है 2D में, तो ये अपना लेटर हम यहाँ पे एक्रेलिक कटिंग करके ही लगा दिए हैं इस वाले मशीन से, ये लेजर मशीन, CO2 लेजर कटिंग मशीन, इससे ये कटिंग होता है एक्रेलिक। और वो मशीन है उसमें मेटल कटिंग होता है, इसमें नॉन मेटल कोई सा मटेरियल आप दीजिएगा वो कट जाएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन सा मटेरियल किस तरीके से कटता है उसका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा। आता है इसमें फ्रेमिंग करने का, कुछ इस तरीके से पाइप को बेंड करके आपस में इसको टाइट कर देंगे और फिर ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे स्क्रू हो जाएगा।
एक हो चुका है, ये रहा, चलाते हैं इधर लाइट में और देखते हैं कैसा ग्लो कर रहा है। ये देखिए क्या कमाल का लाइट है, पता नहीं कैमरा में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे सामने में ना लाइट बहुत जबरदस्त है, पूरा ब्राइटनेस पूरा हाई है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, और ये बोर्ड अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मिलते बहुत जल्द कुछ नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।